हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2019 की वैकेंसीज की, अब तक वैकेंसीज की पोजीशन क्या चल रही है। ठीक है, आरटीआई लगाई गई थी, उसके जो थ्रू रिप्लाई मिला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। नॉर्दर्न रीजन की बात करें, हमें ये भी पता चल गया है किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, तो डिटेल्ड वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और पहले आप देखोगे आपके 7,099 कुछ वैकेंसीज थी जो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखी थी, लेकिन एक्चुअली में अभी आपकी वैकेंसी 9,000 से ज़्यादा हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं, सारी आरटीआई जो मैंने पहले लगा रखी थी वो भी दिखा दूंगा, और अभी मैंने आज 2,000 आरटीआई और लगा दी जिससे कि और पोजीशन क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम नॉर्दर्न रीजन की वैकेंसीज की बात करें, जिसमें आपका दिल्ली आता है, आपका और रीजन्स आते हैं। उसके अंदर आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था और जो एसएससी की वेबसाइट पर वैकेंसी का डिटेल्स थी, उसके अंदर यहाँ पर क्या दे रखा था, जो आपकी एज लिमिट है कितनी, क्या कहते हैं, 18 से 25 साल, उसके लिए 1534 वैकेंसीज थी। और 18 से 27 साल की जो एज है उसके लिए वैकेंसीज आपकी 656 थी और 2190 दिखा रहा था। मैंने फरवरी में जो आरटीआई लगाई थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैकेंसी पोजीशन आई थी दिल्ली में 42417 आई थी। ठीक है, ओवरऑल 18 से 25 साल की वैकेंसी जितनी हो गई थी और 18 से 27 वाले एज ग्रुप के लिए वैकेंसी इतनी निकल के आई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो वैकेंसी हमारी नॉर्दर्न रीजन की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, 3500 कुछ हो गई थी। जो अभी लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई आया है उसमें कुछ और चीज़ें भी पता चली हैं। आप देखोगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पूरी वैकेंसी की पोजीशन मिल जाएगी कि दिल्ली के अंदर किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो आपको यहाँ पे डिटेल्ड वैकेंसी की पोजीशन मिल रही है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर एमटीएस लगने का मन है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आपको आइडिया लगेगा किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 533 वैकेंसीज है डिफेंस में, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं इसकी। डिफेंस में जाना आसान होगा दिल्ली में अगर आपको मिलती है पोस्ट एमटीएस के थ्रू। और यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, आप सबका देख सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इनकम टैक्स में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है एमटीएस की दिल्ली के अंदर। तो ये दिल्ली रीजन की है, दिल्ली रीजन की टोटल 2427 वैकेंसीज हो गई। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं, आप देखोगे यहाँ पे राजस्थान रीजन की भी वैसी डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज दिख जाएंगी। तो यहाँ पे 146 वैकेंसीज हैं, ये भी बढ़ी हैं। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या कहते हैं, उत्तराखंड रीजन की, तो यहाँ पे भी 234 वैकेंसीज हो गई है, जो कि पहले 233 थी। दिल्ली में भी आपकी 10 वैकेंसीज बढ़ गई, और क्या कहते हैं, इससे पहले हमने राजस्थान की देखी थी, राजस्थान में भी 4 वैकेंसीज बढ़ गई थी। तो टोटल अब दिल्ली के अंदर 18 से 25 एज ग्रुप में आपकी 2807 वैकेंसीज हो गई हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं, अगर 18 से 27 एज ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे वैकेंसीज लगभग सेम रही है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज हमें पता लगेगा किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। इसका इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे खाली दिल्ली में ही हमारी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ी थी। सदर्न रीजन की जो मैंने आरटीए लगाई थी, ये पहले लगाई थी फरवरी की, वही एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जो आपके ऑफिशियल एसएससी वेबसाइट पे जो वैकेंसीज थी वो 314 थी, लेकिन आरटीए के थ्रू बढ़ के पता चला कि ये कितनी हो गई थी, 837 हो गई थी। अलग अलग रीजन वाइज आपको यहाँ पे दिख रही है, तो सारा डेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। अगर मैं आगे बात करूँ यहाँ पे ईस्टर्न रीजन की, तो ईस्टर्न रीजन की पहले 957 वैकेंसीज थी, लेकिन जब हमने आरटीए लगाई फरवरी मंथ में तो हमें पता चला यहाँ पे ईस्टर्न रीजन की भी वैकेंसीज बढ़ के 907 हो गई थी। वेस्टर्न रीजन की बात की जाए तो वेस्टर्न रीजन की आप देखोगे यहाँ पे, वेस्टर्न रीजन की 1755 वैकेंसीज थी पहले, और ये भी बढ़ के कितनी हो गई थी, 1786 हो गई थी। हो सकता है अभी थोड़े बहुत तो चेंजेस और देखने को मिले होंगे, अभी मेरे पास उसका डेटा नहीं है, जैसे ही उसका डेटा मिलेगा मैं आपको वो चीज़ें भी बता दूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर वैकेंसीज की बात करूँ, ओल्ड वैकेंसीज आपकी जो, अगर हम बात करें इन चार रीजन्स की, हमने यहाँ पे देखी इन चार रीजन्स की आपकी इतनी वैकेंसीज थी, लेकिन अभी की जो पोजीशन है इन चार रीजन्स की, इतनी वैकेंसीज हैं, मतलब 1905 वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत वैकेंसीज और बढ़ी हुई है, डेटा में हल्की बहुत एडिशन वगैरह में थोड़ी मिस्टेक हो, लेकिन लगभग आपकी इतनी वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं। और ओवरऑल वैकेंसीज की बात करूँ, पहले आपकी 7099 थी जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस दे रखा था, लेकिन जो प्रेजेंट की वैकेंसीज है आपकी 9000 से ज़्यादा जा चुकी हैं। ठीक है, 9000 से ज़्यादा एसएससी एमटीएस में अभी तक वैकेंसी है, बाकी फाइनल वैकेंसी थोड़े टाइम में आपको पता चली जाएगा। और आज है 17 तारीख, कल है 18 तारीख, तो 18 तारीख के बाद एसएससी को फैसला लेना था कि वो रिजल्ट जो रुके हुए हैं वो कब देगी, और जो एग्जाम का कैलेंडर है वो रिवाइज होकर कब तक आएगा। तो कल तक का वेट करते हैं, कल देखते हैं एसएससी की वेबसाइट पर क्या नोटिस निकलता है। जो भी होंगी मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ही। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, बाकी टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी आपको, जो ये वैकेंसी की लिस्ट है ये भी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, हमारे चैनल पे आपको कैलकुलेशन रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, आपको बहुत सारे चैप्टर्स पूरे पूरे पढ़ाए गए हैं मैथ्स के, एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं एमटीएस के बाद आपका भी सपना होता है कि सीजीएल एग्जाम को क्लियर किया जाए, तो आप उसकी तैयारी घर बैठे बैठे यहाँ पे हमारे चैनल की हेल्प से कर सकते हो। सारी वीडियोज़ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक
प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर ये सारी वीडियोज मिल जाएंगी एक अरेंज हो गए, जिसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स आप पूरे पूरे यहीं से कवर कर सकते हो अपने। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में आपसे यही विदा लेना चाहूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी भी मैं पढ़ाता हूँ, उसका लिंक भी मिलेगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पे फॉलो करो और वहाँ से भी मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।